तो देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ की क्लास। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ में जैसा कि अब जिन लोगों ने पहले फोटोशॉप कर रखा है तो उनको ऑलरेडी पता है कि भाई फोटोशॉप में हम सॉर्ट ऑफ एडिटिंग वाले वर्क करते हैं। ठीक है, और वहीं कोरल ड्रॉ के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें इतना एडिटिंग का वर्क ना करके हम यहाँ डिजाइनिंग वाला वर्क करते हैं। ठीक है, मेनली तो आज हम इसमें देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को सबसे पहले। ओके, तो हम वही फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जाते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन भी है न्यू फाइल ओपन करने का। अब अपने पास में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आती है, यहाँ पे सेटिंग्स आती है। इस सेटिंग्स में सबसे पहले आ रहा है नेम, बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन है। प्रीसेट में हम कस्टमाइज कर ही रहे हैं और साइज में ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी पेपर पे कुछ डिजाइन करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हो। अगर साइज इसमें मेंशन नहीं है तो आप खुद विड्थ और हाइट यहाँ डाल सकते हो। विड्थ और हाइट डालने के जो यूनिट्स हैं वो अपने को ये सारे यूनिट्स यहाँ हैं, इंच, मिलीमीटर, पिकास पॉइंट, पॉइंट, पिक्सल, डिडॉट्स, डाइडॉट्स, फीट, यार्ड, माइल, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्यूएच, सब चीज़ यहाँ दे रखी है। जैसी आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हो, बट मेक श्योर एक चीज का ध्यान रखना कि आप पिक्सल्स सेट ना करो। अगर जैसे ही आप पिक्सल सेट करके फाइल को ओके कर देते हो तो ये वाली फाइल पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि जब हम कोरल में काम कर रहे हैं तो ये सॉर्ट ऑफ एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सल बेस्ड नहीं होता, डॉट बेस्ड होता है। यहाँ काफी ज्यादा क्लैरिटी से आप वर्क कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे कि क्या चीज होती है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब चाहे सपोज मेरे को पिक्सल्स में साइज दे रखी है तो मैंने पिक्सल सेट करके यहाँ साइज मेंशन कर दी और इसको किसी भी चीज में से इंच या मिलीमीटर कुछ भी मान के मैंने इसको ओके कर दिया, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के इसमें मोड आ गए, दिस इज पोर्ट्रेट मोड और ये हो गया लैंडस्केप मोड। मतलब ये तो हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप से पेपर के, किस टाइप से आपको पेपर को रोटेट करना है। नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए वो यहाँ भी है, बाद में फाइल के बाद में भी आप, मतलब फाइल ओपन करने के बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। प्राइमरी कलर मोड, अब यहाँ पे RGB और CMYK, हमारे पास जो दो कलर मोड होते हैं, RGB इज फॉर रेड ग्रीन ब्लू और CMYK इज फॉर श्यान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। तो कोरल ड्रॉ मोस्टली हम प्रिंटिंग के लिए वर्क लेते हैं तो प्रिंटिंग में CMYK कलर यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ प्राइमरी कलर में CMYK चूज करके रखते हैं। ओके, रेंडरिंग रिजोल्यूशन कि जब आप देख रहे हो तो आपको क्लैरिटी कितनी चाहिए, तो 300 को हम एक स्टैंडर्ड हाईएस्ट मानते हैं, इसलिए हम यहाँ 300 लिखते हैं। आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जनरली हम 300 रखते हैं और इसका यूनिट है DPI, मतलब 300 डॉट्स पर इंच, कि एक इंच में 300 डॉट्स होंगे। ठीक है, डॉट्स मतलब सर्कल जैसी शेप्स जिससे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, हमने प्रीव्यू मोड एनहांस रखा है, बाकी हम जो ये दे रखा है सेटिंग्स हम इनको नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो भी कलर्स वगैरह हैं जिस कंपनी के हैं वो ऑलरेडी अपने ग्राफिक्स अपनी चीजों के अकॉर्डिंग सेटेड है, अपने मदरबोर्ड वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन चीज अपनी डॉक्यूमेंट की होती है, यहाँ से आप साइज वगैरह सब सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। भाई ये हमने सेट कर लिया, नेम अनटाइटल्ड वन है, A4 210x297, नंबर ऑफ पेजेस 1, CMYK, 300 रेजोल्यूशन और पोर्ट्रेट मोड है, हमने किया ओके। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ पे ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पेज नहीं है, आप वर्क कहीं भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, बट ये अपने को एक आउटलाइन दे रखी है कि आपने जो साइज लिया है A4 वो कुछ ये रहा, इस पे काम करना है तो बिल्कुल इस पे काम करो क्योंकि आपने जो साइज लिया वो एग्जैक्ट ये है। आउटर करोगे तो बड़ा छोटा खैर हो ही सकता है, फिर तो अपनी मर्जी है कैसे वर्क करना है अपने को। तो देखो फाइल ओपन करने के बाद में भी अपने पास में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आते हैं। कैसे आते हैं? सबसे पहले तो ये रहा साइज, आप यहाँ भी साइज चेंज कर सकते हो, या यहाँ देखो विड्थ और हाइट, यहाँ भी आप मेंशन करके साइज चेंज कर सकते हो।
ये उसकी यूनिट है, यूनिट आप चेंज कर सकते हो, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, ये आप चेंज कर सकते हो। तो मोस्टली सारी चीजें अपने पास यहाँ डॉक्यूमेंट की मिल गई। दूसरा पेज वन है, प्लस करोगे पेज टू हो जाएगा, अब ये पेज टू हो गया, फिर ये पेज वन हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको चेंज कर सकते हो। इवन यहाँ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पेज, इंसर्ट पेज आफ्टर, रीनेम वगैरह, ये सारी चीजें आप चेंज कर, भाई नाम चेंज करना है तो रीनेम कर दिया, नया पेज करना है पर वो दूसरे के बाद में हो तो आप कर सकते हो इंसर्ट पेज आफ्टर दिस, तो इसमें किया था पर टू के बाद में इंसर्ट हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हटाना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखो ये सब हमारे इसके नेविगेशन मेन्यू होते हैं। यहाँ हमारे पास में टूल्स है, जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टी अपने को यहाँ डिस्प्ले होती है, और इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन ये है क्योंकि ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑल दो यहाँ लेयर तो दे रखी है बट लेयर बेस्ड नहीं है, आप सारा काम यहीं कर सकते हो इस जगह पे ही, ठीक है। तो उस केस में भी यहाँ क्या होता है कि आप जो भी वर्क करते हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ रखा है उस डॉक्यूमेंट पे, उस ऑब्जेक्ट पे कुछ क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस शो होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास कलर पैलेट दे रखा है, ठीक है, इस कलर पैलेट को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी कलर चाहिए होते हैं तो ये हमारे पास कलर ऑप्शन यहाँ दे रखा है, डबल क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन होगा, बट अभी अपने पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो ये कुछ शो ऐसे नहीं करता है। और बाकी आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, यहाँ इसका CMYK कोड भी दे रखा है, वो आप डाल सकते हो, या ये जो अपने पास कलर व्यूअर विंडो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी ऑप्शन वैसे ही है जैसे फोटोशॉप में हुआ करते थे। ये आउटलाइन का कलर है, ठीक है। तो अभी देखो ये इतना इतना मैंने आपको बताया, तो जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक शेप क्रिएट कैसे करते हैं, ये वाला वर्क हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक शेप में मेरे पास यहाँ रेक्टेंगल और सर्कल है, मैंने रेक्टेंगल क्लिक किया इस पे, यहाँ आके इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा जूम किया इस पे, देखो तो आउटलाइन दिख रही है मेरे को। कलर पुट करना है ये रहे कलर, ये मैंने क्लिक करा और ये कलर मेरे पास इस पे आ गया। इस कलर का कोड मेरे को यहाँ दिख रहा है कि CMYK, यहाँ पे मेरे को ये कलर कोड आ गया और ये कलर दिख रहा है, ठीक है। आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो या इस लाइन से आप कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर पिक करके। अब जब हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ये डिजाइन हुआ है, तो अब ये इस प्रॉपर्टी आ रही है ना ऊपर पूरी, वो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट तो आ गया एक्स और वाई, मतलब पेज पे कहाँ रखा है, तो इससे तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका साइज, देखो ये हो गई विड्थ, ये हो गया हाइट। तो अगर मैं विड्थ आ रहा है 100.5 mm का, तो मैं इसको मैं करूं भाई 50 mm का बनाइए, तो मैंने यहाँ 50 डाला और एंटर कर दिया तो 50 mm का बन गया। फिर मेरे को करना है ये हो जाए 30 mm की इसकी हाइट हो जाए और एंटर कर दिया, ये 30 mm की इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिक्स साइज में क्रिएट हो गया है, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ रोटेशन आ रहा है, तो जब हम रोटेट करते हैं तो आप इसको रोटेट भी यहाँ से कर सकते हो, ये सभी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो अब जब आपने ये किया, अब आप मूव टूल, मतलब इसमें जो पिक टूल है, इस पे भी आ सकते हो इसको साइज वगैरह चेंज करने के लिए, ओके। और जब ये सेलेक्ट है तो अब हम यहाँ की प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो ये हमारे पास है कॉर्नर ऑप्शन कि इसके कॉर्नर्स को हम राउंडेड कर दें। अभी तो पॉइंटेड है, और जैसा मैंने बोला था कि ये वेक्टर है, रास्टर नहीं है, तो पिक्सल बेस्ड है ही नहीं, आप इसको कितना भी डिटेल में देख सकते हो। अभी हम कितने परसेंट पे जूम कर रखा है हमने, 1200% पे। एक्चुअल में क्या होता है 100% इसकी वैल्यू होती है। अब देखो इतना जूम कर लिया, कितनी सी जो आउटलाइन थी वो इतनी दिख रही है, तो हमने 76,742% हमने इसमें जूम कर लिया है, और एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल ऑलमोस्ट एक्चुअल से भी बड़ा है, अभी 100% अपना एक्चुअल होता है। तो आप इतने डिटेल से इसमें वर्क कर सकते हैं। अब जब हम राउंड का देख रहे हैं ना, तो देखो यहाँ 0 mm 0 mm आ रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो यहाँ देखो बीच में क्लिप हो रहा है इस पे, लॉक पे, तो इससे क्या हो रहा है, सभी कॉर्नर लॉक्ड है, तो एक पे भी चेंज करोगे तो सभी पे एक साथ चेंज होगा। तो मैंने सपोज इसको 3 कर देते हैं हम, इसको देखो 3 mm हमने राउंड की रेडियस कर दी। अब इसमें 3 टाइप के राउंड है, फर्स्ट तो ऐसा जो अपने को दिख रहा है,
सेकंड ऐसा उसके जब अपोजिट जस्ट अंदर दिखेगा, और थर्ड ये ऐसा कि जस्ट लाइन दिखेगी। तो तीन टाइप के आप राउंड इसमें बना सकते हो डायरेक्टली, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, मैन्युअली हम कैसे भी कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी इंडिविजुअल पे काम करना है तो आप लॉक हटा दो, अब आप इंडिविजुअल पे काम करने लग जाओ, देखो तब वो इंडिविजुअल ही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होंगे। इसको मेरे को जीरो करना है तो हमने जीरो करके एंटर कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन अपने को दिख रहा है ये है आउटलाइन की साइज, तो ये 0.5 पॉइंट्स आ रही है, इससे छोटा हेयरलाइन होता है और इससे भी छोटा नन होता है, मतलब खत्म, कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक। बड़ा करना है साइज तो आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, देखो ये हो गया। तो ये हो गया आउटलाइन का साइज, ये अभी मैंने फिर से 0.5 mm कर दिया। तो ये पिक टूल है, पिक टूल से भी आ सकोगे तो भी ऐसे ही रहेगा ये। अब मूवमेंट तो आप कर रहे हो, साइज चेंज में भी इसमें शिफ्ट की नीड नहीं होती है, विदाउट शिफ्ट के प्रोपोर्शनेट वर्क करता है। देखो मूवमेंट आप कर सकते हो, और अब आपको इसको रोटेट करना है तो आप बीच में क्लिक करोगे जिससे ये ऑप्शन आ जाएंगे, वापस क्लिक करोगे ऑप्शन हट जाएंगे। तो आपने क्लिक किया ऑप्शन आ गए, और आप यहां क्लिक करके राउंड कर सकते हो। अगेन कंट्रोल के साथ करोगे तो देखो 15 डिग्रीज के डिफरेंस में जा रहा है, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ये कब जा रहा है, जब आप कंट्रोल प्रेस करके कर रहे हो तो, ठीक है। तो जो मोस्टली फोटोशॉप में हम शिफ्ट के साथ करते थे, यहाँ वैसा ऑप्शन कुछ कुछ हम कंट्रोल के साथ करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब आप रोटेट करोगे तो आप कंट्रोल के साथ करोगे, ओके। और जब आपको ऐसे अलाइनमेंट पे ले जाना है तो भी आप कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ले जाओगे तो देखो अलाइनमेंट में जा रहा है, ऊपर ले जाना है तो ये देखो ऊपर अलाइनमेंट में, कॉर्नर में जा ही नहीं रहे, या तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है या तो वर्टिकल जा रहा है, देखो। और मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एक रेक्टेंगल को डिजाइन कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हो इसको, आपकी मर्जी हो जहां पे। नेक्स्ट आता है इलिप्स, हमने इलिप्स पे क्लिक किया, क्लिक करके ड्रॉ करोगे तो इलिप्स बनेगा, कंट्रोल प्रेस करोगे तो सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल बन गया, सपोज सर्कल में हमने कलर भी पुट कर दिया, येलो कलर हम डाल देते हैं। आउटलाइन अपने को दिख ही रही है, आउटलाइन में कर दूं 10 पॉइंट्स की तो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। अब सर्कल के जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो हम ऊपर देखते हैं, ये तो आ गया विड्थ हाइट दोनों सेम है, जब ये सर्कल है एग्जैक्ट, ठीक है। रोटेशन हम इसमें करने की कोई नीड है नहीं क्योंकि ऑलरेडी राउंड है। फिर इसमें आ जाता है इलिप्स का, कि पूरा इलिप्स, ये ऐसे पाए वाला वर्जन मिलेगा, ये ऐसे ओनली आर्क मिलेगा, एक पाथ, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं है पूरा, इसलिए इसमें कलर शो नहीं हो रहा है। और ये आउटलाइन की प्रॉपर्टी अपने को मिल गई। जो भी आप शेप पे सेलेक्ट करोगे तो अपने ऊपर प्रॉपर्टी में आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी, ये होती है फ्लिप की प्रॉपर्टी, फ्लिप करना। तो देखो इसको मैं पलटू अगर, तो मैं अगर ओनली ये वाला पलटू मिरर इमेज हॉरिजॉन्टली क्लिक करूं, राउंड इधर आ गया, कॉर्नर इधर आ गया, फिर करा ये राउंड इधर आ गया, कॉर्नर इधर आ गया, वर्टिकल है तो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, देखो ये वर्टिकल फ्लिप हो गया। तो फ्लिप के ऑप्शन भी इसमें डायरेक्टली दे रखे हैं। और जैसे मैंने बोला कि लेयर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो देखो आप कहीं पे भी किसी को क्लिक करके किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। ऑल्दो लेयर अपने पास ये रही कि आप पेज टू पे वर्क कर रहे हो, इसमें इलिप्स और रेक्टेंगल ये रहे आपके। इसमें भी गाइड्स आती है, गाइड्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, देखो प्रॉपर ऐसे यूज करके कि ये क्वाड्रेंट आ गया, तो आप बिल्कुल सही जगह रख सकते हो। देखो ये पूरी एज चल रही है, मेरे को रखना है मिडिल में, ये आ गया क्वाड्रेंट यहाँ पे, या ये सेंटर आ गया, यहाँ चलते हैं देखो इस लाइन के ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये मिड पॉइंट आ गया। तो ऐसे आप बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे रख सकते हो। और इसमें एक और ऑप्शन है भाई, जैसे ये जो गाइड है इस पर क्लिक करोगे तो रोटेशन का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। और किस एंगल का रोटेशन है आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, मेरे को 60 डिग्री पे रोटेशन चाहिए, ये लो ये 60 डिग्री पे हो गया। अब आप जो भी करोगे तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग कर सकते हो इस गाइड्स के ऊपर अटैच करके, ठीक है। अब अटैच करना है तो पूरा भाई, अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखो मैग्नेटिकली शो ही नहीं हो रहा है कि अटैच हो भी रहा है नहीं हो रहा, तो आपको उसके लिए क्या ध्यान रखना है, आप स्नैपिंग करोगे, स्नैप टू पेज ऑब्जेक्ट गाइडलाइंस, गाइड्स पे अपने को करना है, बेसलाइन डॉक्यूमेंट सब कर दो आप, ठीक है। जैसे कि अब आप अपने ऑब्जेक्ट को देखो, ये ग्रिड्स का आ गया,
ये गाइड का आगे टच हो गई, ये पेज का आगे पेज पे टच हो गया, सब जगह सारे ऑप्शन अपने को शो होते हैं देखो, ठीक है। तो आप जो भी करोगे तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, देखो परफेक्टली फिर वो अरेंज हो जाते हैं, ये देखो ये प्रॉपर अरेंज हो गया, ठीक है, फिट हो गया। अब ये क्या है, क्योंकि सेंटर पॉइंट तो यहाँ है और ये जो स्ट्रोक है ये मिडिल में लगा हुआ है, हम इसका स्ट्रोक हटा देते हैं, ये देखो ये परफेक्टली अरेंज हो जाएगा, हम यहाँ रखते हैं, हम देखो यहाँ ले जाते हैं, ये आ गया, ठीक है। ऐसे आप प्रॉपर इसमें अरेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से अरेंज करना है या ऑब्जेक्ट से अरेंज कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अपने पास में होते हैं। गाइड हटानी है तो आप ऐसे क्लिक करके और उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैंने दो आपको ये बेसिक शेप्स बताए हैं, ओके, मैंने मूव टूल आपको बताया, पिक टूल, अब मैंने मेरे को ये दोनों सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे एरिया सेलेक्ट करके दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो इसलिए काफी इजी हो जाता है इसमें वर्क करना। एक को करना है तो ये एक को कर लो, चेंज कर लो, मूव कर लो, कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ये आ गया, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो, देखो शिफ्ट दबाया ये तीनों सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट दबाया ये हट गए दोनों गए, शिफ्ट दबाया ये हट गया ओनली ये रह गया, आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने किया कि बेसिक शेप्स के थ्रू हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया और इनको रख दिया। अब मैं चाहूँ कि भाई इसकी अलाइनमेंट में ये इधर आए, तो मैंने ये लिया इसके सेंटर में रखा, ये इसका सेंटर है, इसको मूव किया और ये यहाँ रखा, ये एच पे ये बिल्कुल सेंटर पे आ गए, और इसको इधर कर देते हैं ये सेंटर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप अटैच भी कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, सेंटर पकड़ा, कंट्रोल दबाया, एक अलाइनमेंट में आया और इसको यहाँ रख दिया, ये लो, चारों को सेलेक्ट किया, मूव करा, साइज चेंज करना है छोटा कर दिया, विदाउट शिफ्ट के होता ही है इसमें, और इनको भी सेंटर में रख दिया। तो ऐसे काफ़ी इजी वर्क हो जाता है इसमें। तो देखो आपने जब ये लिया तो आपके पास ही आ गया ग्रुप ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिर इलिप्स, ग्रुप ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिर इलिप्स, ठीक है। ये रेक्टेंगल एक ऊपर हमने बना रखा है। अब जो ये गाइड है ना, तो देखो मास्टर पेज में गाइड्स के अंदर गाइड आपको शो होती है, ये रही, तो आप ऐसे मास्टर पेज में से क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। इवन जैसे मेरे को इसको करना हो तो लेयर में भी आपको अगर कोई चेंज करना हो ना, वो भी आप में कर सकते हो, लेयर में भी चेंज। रोटेशन का मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से हम इसमें रोटेट करते हैं। अब जब भी आप पूरा फाइल अपनी कंप्लीट कर लेते हो तो सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव एस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ जब आएंगे तो अपने पास में एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, ये रहा, जहाँ पे अपनी फाइल की लोकेशन वो पूछेगा, लोकेशन आप सेट कर दोगे और उसके बाद में फाइल नेम आप डालोगे और फाइल टाइप, तो फाइल टाइप में बाय डिफॉल्ट CDR कोरल ड्रॉ फॉर्मेट आता है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ स्पेशली इसका ध्यान रखना, जब भी आप फाइल सेव करोगे तो उस फाइल के अंदर अभी लिखा आ रहा है वर्जन 18.0, तो जो भी वर्जन अभी लिखा आ रहा है आप अभी उसमें सेव हो रहा है, बट आप किसी को भी इस फाइल को दोगे अगर उसका इससे बिलो वर्जन होता है तो उसके ये फाइल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि न्यू वाले वर्जन में पुरानी फाइल चल जाती है बट नए वाले वर्जन की फाइल पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं चलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी किसी ऐसी जगह देनी है तो आप इस वर्जन को लोएस्ट वर्जन में सेव कर सकते हो, जिससे कि वो किसी भी फॉर्मेट में ओपन हो जाए, ठीक है। ऐसा करके आप सेव कर दोगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये हो गया फाइल सेव करने का ऑप्शन। बट मेरे को तो JPG निकालनी है, उसका मैं क्या करूं, उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट है, क्लिक करोगे, पहले आपके पास लोकेशन पूछेगा, आपने लोकेशन में नेम डाला, यहाँ से टाइप में, अब आप देखो बहुत सारे टाइप से, वो सारे टाइप आप डाल सकते हो, इवन इलस्ट्रेटर है, PSD फोटोशॉप वाली फाइल भी इसके अंदर दे रखी है, ये रखी, ठीक है। हमको तो JPG करनी है, JPG कर लिया आपने, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, अब आपके पास एक पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा JPG एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को आप देखो, अब इसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा, क्योंकि इसमें देखो वो पेज जो था ना वो डॉक्यूमेंट नहीं था, वो अपने को दिखाने के लिए था, हमने उस पूरे पेज में क्या बना रखा है, खाली ये, तो यही सेव हो रहा है, यही दिख रहा है आपको, है ना। और आप इसको यहाँ कर रहे हो फॉर्मेट JPG, ओके कर दोगे, सेव हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए नहीं पूरा पेज दिखे, तो आप क्या करोगे भाई, रेक्टेंगल बनाओगे, तो यहाँ से क्लिक करके पूरे पेज पे बना लोगे और उस पर व्हाइट कलर डाल दो, आउटलाइन इसकी हटा दो, अब वो तो पीछे लगे इलिप्स वाला,
तो या तो हम लेयर में से ऊपर नीचे कर दें, नहीं तो इसको राइट क्लिक करके ऑर्डर बैक ऑफ पेज कर दें, इसको ऊपर आ गया। अब जब हम इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे और जेपीजी में देखेंगे, ठीक है, देखो एक्सपोर्ट किया और अब जेपीजी में देख रहे हैं तो ये मेरे को पूरा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल बना हुआ था इसके अंदर पूरा व्हाइट कलर का, तो ये अपने को दिख रहा है। अब आप ओके करोगे तो ये भी सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें फाइल्स को सेव कर सकते हो।